नमस्कार मित्रों। तो जनाब राहुल गांधी जी, LOP, लिप्स ऑफ पैरट, उप्स, LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो इस समय US की विजिट पे हैं। और इस विजिट में उन्होंने जी भर के अपना ज्ञान बखाना है और अपने उद्देश्यों का खूब परिचय दिया है। जो भी वे हमारे राष्ट्र को लेकर सोचते हैं, हमारे भारत के बारे में जो भी वे चाहते हैं, उसका बखूबी बयान किया है उन्होंने इस पूरी विजिट पे। कुछ उनमें से बहुत ही चर्चित मामले रहे हैं, जैसे सभा में वे संबोधित कर रहे थे स्टूडेंट्स को, और उन्होंने एक लड़के को पकड़ा, उसको पूछा, उसकी पगड़ी वगैरह देखी और उसको पूछा, नाम क्या तुम्हारा? नाम आया बलजिंदर सिंह। अच्छा, तो उसके बाद भाई साहब ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। द फाइट इज ऑल अबाउट वेदर दिस गाय विल बी अलाउड टू वेयर पगड़ी और नॉट। सिखों को पगड़ी पहनने दिया जाएगा या नहीं, भारत में इस बात पर डिबेट है, इस बात पर फाइट है। मतलब उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि भारत में BJP सरकार, नरेंद्र मोदी टू बी प्रिसाइज, नरेंद्र मोदी भारत में सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दे रहे, सिखों से इतनी भी फ्रीडम उनको नहीं दी जा रही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये लड़का जिसको उन्होंने बकरा बनाया था, ये एक्चुअली भारत का निवासी है, भारतीय है, और कुछ समय के लिए US की विजिट पे गया हुआ है। तो वहाँ पर भी ये काउंटर करना चाहता था, पर इसको बोलने नहीं दिया गया, जैसा कि राहुल जी करते हैं। लेकिन उसने सोशल मीडिया पर आकर अपना वीडियो बनाकर डाला कि भाई मैं भारत से हूँ, मैं भारतीय हूँ, वहीं रहता हूँ, और मुझे आज तक कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई कि बीइंग अ सिख मुझे कहीं पे भी किसी भी तरह से टारगेट किया जा रहा हो, फॉरगेट अबाउट पगड़ी बांधना, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह की बात उसने आके सोशल मीडिया पर बोली। लेकिन इसमें भी आप देखिए, जो सिख हैं वे तो इस बात को डिनाई कर रहे हैं सिरे से, लेकिन राहुल गांधी का समर्थन किसने किया? पन्नू ने, खालिस्तानियों ने, जो खालिस्तानी स्वयं देश के बाहर बैठे और देश का विभाजन चाहते हैं, वे इस राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं, अरे ये तो हमारा भाई है, हमारी ही बातें बोल रहा है। अब आप सोच कर देखिए, 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था वो किसने करवाया था? और यही प्रश्न जो सही में सिख हैं वे यही प्रश्न पूछ रहे हैं, पर खालिस्तानी राहुल गांधी को एंडोर्स कर रहे हैं, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसको अपना हमदर्द समझ रहे हैं। और तो और भाई साहब, इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें, मनगढ़ंत बातें जा जाकर इस व्यक्ति ने US में बोली हैं कि US का एक मीडिया हाउस ये छापता है कि भाई ये आदमी आया कहाँ से है, क्या ये पाकिस्तानी है या सच में ये भारत से आया हुआ है। आइए सुनते हैं इसी बात पर गर्वित भारद्वाज ने क्या कहा। राहुल गांधी USA में थे और 4 दिन की यात्रा थी, लगता है इन 4 दिनों में कांग्रेस का चौथा मनाकर ही मानेंगे। राहुल गांधी वो इकलौता आदमी है जो केवल अपनी बातों से अपने ही सपोर्टर्स को इतना उकसा देता है कि उसे जान से मारने की धमकी दे देते हैं। राहुल गांधी बाज आ जा, अपनी गल्ला तू अपना इतिहास देख ले, अपनी दादी का इतिहास देख ले, अपने प्यो का इतिहास देख ले। ये जो आदमी राहुल गांधी को बाज आने के लिए कह रहा है ना, ये कांग्रेस की चील है। नाम है तरविंदर सिंह मारवा। 2021 में राहुल गांधी के साथ स्टेज पे खड़ा था और कोशिश कर रहा था कैसे भी फोटो में ढंग से आ जाए। ये जो टैलेंट राहुल गांधी लेके पैदा हुआ है ना भाई साहब, मतलब 20 साल के राजनीतिक करियर के बाद भी लोगों को बताना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, आपको गलत लग रहा है, समझो, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। ये टैलेंट किसी किसी आदमी में ही होता है भाई। People talk about him being Papu. He has a vision contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no Papu. अब इसे देख-देख के मुझे दो सिनेरियो लगने लगे। एक तो ये कि राहुल गांधी सही में पप्पू हैं, मतलब वो उसके पुराने भाषण हो या नए भाषण हो,
सब में दिखाई देता है। चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डाल। राहुल गांधी अमेरिका में स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देता है। सामने सामने एक सिख लड़का बैठा होता है। राहुल उस सिख लड़के से नाम पूछता है और फिर बकेटी पेल देता है। इज गोइंग टू बी अलाउड टू वेयर हिज टर्बन इन इंडिया और ही हैज अ सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू वेयर अ कड़ा इन इंडिया और ही हैज अ सिख इज गोइंग टू बी एबल टू गो टू गुरुद्वारा। दैट्स व्हाट द फाइट इज अबाउट। फिर वो सिख लड़का वीडियो बनाता है और बोलता, अबे तुझसे ज्यादा तो साला मुझे पता है, किसे पागल बना रहा। लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आजादी नहीं है, पहनने पर आजादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सवाल मैं उनसे करना भी चाहता था कि राहुल गांधी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भारत से ही बिलोंग करता हूँ, यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हुआ हूँ भारत से, लेकिन जब मैं भारत में होता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। यार बताओ, मतलब ऐसे कोई अच्छा लगता है अपने से आधी उम्र के बच्चों से बेइज्जती कराते हुए, सबके सामने झूठ बोलते हुए और फिर पकड़े भी जाते हुए? नहीं, मतलब झूठ बोले बिना अगर नहीं रुका जाता तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर पकड़े तो मत जाओ, झूठ बोलो पर ऐसा बोलो कि पकड़ में ना आए। अब भाई ने बोल दिया कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाएगी, कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, गुरुद्वारों में एंट्री नहीं मिलेगी, अंट शंट जो मन में आया बोल दिया। तो इस बात से सिख भड़क गए, प्रोटेस्ट होने लगे राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के घर के सामने। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब सिख राहुल गांधी को यह बता रहे हैं कि मोदी एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने सिखों को उनकी कृपाण प्रधानमंत्री आवास में अलाउ करी। चार आदमी प्राइम मिनिस्टर साहब से सुबह टाइम ले ले मोदी जी से, मोदी लाल कारपेट के साथ स्वागत करेंगे, आइए मेरी कोठी आइए। मोदी तो वो आदमी है, जब धर्म गुरु बुलाते हैं ना कृपाने हाथ में होती है। इंदिरा गांधी के साथ भी देखा मैंने, राजीव नरसिम्हा राव के साथ 5 साल रहा, किसी की कृपाण अंदर नहीं जा सकती थी। हमारे साथ लड़के अमर छका होता था, नहीं जी कृपाण नहीं जाएगी अंदर। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिख गुरु आते हैं, उनकी कृपाने फड़ी हुई और खुद सिर पे दस्तार डाली हुई, ऐसे से वो सिर झुकाता जा रहा है, झुकाता जा रहा है, ये सिर पे चार आदमी चढ़ते जा रहे तुम्हारे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम गलत फहमी। फिर सिखों ने राहुल गांधी से 1984 के बारे में भी पूछ लिया, बोले सिखों को आज तक भारत में केवल एक बार पगड़ी पहनने से डर लगा है और वो 1984 का समय था, जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था 1984 में। ये मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, सिखों की पगड़ी को उस समय खतरा था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब सिखों ने तो ये किया, लेकिन खालिस्तानियों ने राहुल गांधी की बात को सपोर्ट कर दिया। पन्नू बोला, देखो देखो राहुल गांधी भी वही कह रहा है कि सिखों का जीना इंडिया में दुश्वार हो चुका है, इसलिए हमारी खालिस्तान की मांग जायज है। सिखों ने प्लेकार्ड उठा लिए, बोले पप्पू पन्नू यार है देश का गद्दार है। नहीं मतलब आप खुद सोचो, एक आदमी दूसरे देश में जाके कुछ बोले और वहां जो बोले उसके बाद वहीं के लोग पूछने लग जाएं, भाई तू पाकिस्तान से तो नहीं आया है, मतलब दुश्मन देश से तो नहीं आया है, और फिर वो आगे कुछ और बोले तो आतंकवादियों को लगने लग जाए कि भाई हमारी मांग तो सही है। तो भाई ऐसा आदमी तो सही में ही पप्पू है ना। पर इसका ना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, और कांग्रेस के लोग तो ये बोल बोल के राहुल गांधी को जस्टिफाई कर ही रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट द बीजेपी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज। व्हाट राहुल गांधी सेड वाज देयर इज गोइंग टू बी दैट सिक्स आर देयर बी अ सिचुएशन वेयर सिक्स मे नॉट बी अलाउड, मे नॉट बी। मतलब राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि सिखों को अभी प्रॉब्लम है, उसने तो ये कहा कि आने वाले समय में सिखों को प्रॉब्लम होगी। आई सी, जब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तब शायद ऐसा होगा। मतलब मोदी के टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी ने तो सज्जन कुमार को जेल भेजा, कांग्रेस ने उसे वर्षों तक बचा के रखा, यहां तक कि एमपी भी बनाया। इसीलिए जगदीश टाइटलर आज तक कांग्रेस में है, और इसीलिए कमलनाथ जिसमें सिखों के संहार का आरोप है उसे चीफ मिनिस्टर तक बना दिया। तो राहुल गांधी यहां पर भी उनो रिवर्स खेल गए हैं लगता है। भाई साहब, जो आदमी छाती में पीछे से चाकू मार दे, नहीं मतलब आगे से तो दुनिया मार देती है। अच्छा, ये जो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण तपस्वी राहुल गांधी निकले हैं, इनके भीतर आध्यात्म और हिंदुत्व का भी बड़ा उत्सर्ग हुआ है। तो ये जा जाकर आध्यात्म और हिंदुइज्म के बारे में
बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को समझाते हिंदू होना क्या होता है, हिंदू के शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्या फिलॉसफी है, सारा दर्शन, सारा का सारा दर्शन शास्त्र ये झाड़ते हैं। और इन्होंने यूएस में भी खूब ज्ञान बांटा है। और ज्ञान बांटने के बाद हुआ कुछ यूं कि जब इन घोर हिंदूवादी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण से बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेचारे जर्नलिस्ट को ही पिटवा दिया। तो घटना कुछ ऐसी हुई है कि इनके जो गुरु हैं बंदर छाप, उनका उनसे कोई इंटरव्यू, उनका शेड्यूल्ड इंटरव्यू था इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर के साथ। तो उनका इंटरव्यू चल रहा था, बाकी सारे प्रश्न जो उनके मन मुताबिक थे उसके उन्होंने जवाब दिए, लेकिन जैसे ही उस बेचारे रिपोर्टर ने एक चूक कर दी और पूछ लिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में भी क्या हमारे श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे, उसके बाद तो भाई साहब बेचारे की धुनाई कर दी और उसका रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी डिलीट कर दिया। अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। भाई साहब गजब के हिंदू बन गए हैं राहुल गांधी, गजब के हिंदू, मतलब इतने हिंदू कि पांडवों से जीएसटी भरवा दें। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? नहीं, मतलब इतने हिंदू कि बीजेपी आरएसएस को हिंदू होने का सर्टिफिकेट तक बांट दें। There is nothing Hindu about what the BJP does. नहीं, मतलब इतने हिंदू कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर यदि कोई अत्याचार हो तो कुछ नहीं बोलते, गाजा पर बोल देते हैं, आंखें रफा की ओर घुमा लेते हैं। अनुराग ठाकुर संसद में पूछ लें कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्यों नहीं बोल पा रहे तो बोलते हैं मैं तो गूंगा हूं। फिर भाई साहब की यूएसए की विजिट होती है और उसके दौरान जर्नलिस्ट पूछ लेते हैं कि आप यूएसए आए हो तो क्या यहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध कुछ बोलोगे या फिर यूएसए के लॉ मेकर से बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ बात करोगे? तो ये आप तो कुछ बोलते नहीं हैं, इनके साथ 30 लोग होते हैं, वो जर्नलिस्ट को ना बड़े ही प्यार से कूट देते हैं ये बोल के कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। नहीं, मतलब कुटाई ऐसी थी कि जर्नलिस्ट को दर्द भी नहीं हुआ और कहीं इधर उधर टच कर दे तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि कुटाई करते वक्त ध्यान ये रखा गया था कि जितनी भी चोट लगे सब गुम ही लगे, वो कुछ दिखा ना पाए। फिर उसके फोन में जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ उसे डिलीट किया जाता है। नहीं, मतलब जबरदस्ती डिलीट किया जाता है। बहुत ही प्यार से दो लोग जर्नलिस्ट को ऐसे मुंह से पकड़ लेते हैं और फिर तीसरा बंदा जर्नलिस्ट के फोन को उसके मुंह के सामने रख देता है ताकि फेस रिकॉग्निशन से फोन खुल जाए और बाकी के लोग जर्नलिस्ट के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं ताकि ये सब काम आराम से हो जाए। मुझे तो लगता है कि किसी ने बोला भी होगा कि धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई भी, सबको मारने का मौका दिया जाएगा, पर ये बात जर्नलिस्ट जी बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कमीनों में कहता हूं कि पिन रखा करो फोन में, फेस रिकॉग्निशन नहीं है। क्या क्या क्या, राहुल गांधी कैसे हिंदू हैं जो हिंदुओं के अत्याचार पर नहीं बोल रहे हैं? अबे इसीलिए तो कहता हूं तुम लोग गवार आदमी हो, राहुल गांधी को समझ ही नहीं सकते हो। अरे भाई जितना राहुल गांधी ने कर दिया हिंदुओं के लिए इतना कौन कर सकता है बताओ। अब राहुल की टीम ने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में जो प्रश्न हुआ उसे कॉन्ट्रोवर्शियल कह दिया और फिर जर्नलिस्ट को कूट दिया और फिर डरा धमका के वीडियो भी डिलीट कर दिया। इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होगा? इससे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होगी। अब कॉन्ट्रोवर्सी होगी तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, जो कि नॉर्मल आंसर से नहीं पता चलता। तो भाई राहुल गांधी ने बहुत सोच विचार के ये कॉन्ट्रोवर्सी बनाई और बांग्लादेश के हिंदुओं की बात और अधिक लोगों तक पहुंचे इसीलिए उसने ये कॉन्ट्रोवर्सी की। मैड रिस्पेक्ट फॉर यू ब्रो, मैड रिस्पेक्ट, नोबडी हैज डन दिस मच फॉर हिंदू कॉज। अब देखिए आप, फ्री स्पीच और संविधान की रक्षा और न जाने क्या क्या बकवास करने वाले, इनका असली चेहरा क्या है? जर्नलिस्ट से मार पिटाई, मन मुताबिक कोई प्रश्न ना करे तो वो, ये बीजेपी का सवाल है, आप बीजेपी वाले हैं, तुम्हारी जात क्या है,
तुम्हारा सरनेम क्या है, इस सब पर आ जाते हैं। और हिंदुओं पर पूछ ले कोई तो उसको इस तरह मार दिया जाता है। लेकिन हम कैसे भूल जाते हैं कि ये कहाँ, किनके वंशज हैं, कहाँ से आते हैं। इनकी दादी ने ही तो इमरजेंसी लगाई थी ना, जब सारे के सारे न्यूज़पेपर्स ब्लैंक छप रहे थे। जी हाँ, लिटरली ब्लैंक छपते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को, मीडिया हाउसेस को कुछ भी खबर छापने की आज़ादी नहीं थी। और ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्री प्रेस की। अच्छा, अब आगे इन्होंने कुछ लोगों से मीटिंग्स भी की वहाँ पर। तो जैसे पीएम मोदी जब जाते हैं तो स्टेट के बड़े अधिकारियों को मिलते हैं, और फिर वहाँ के बड़े बिजनेसमैन, इंडियन डायस्पोरा, इन सबको मिलते हैं। अब हमारे राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो सोरोस के चमचों और सारे एंटी नेशनल्स को मिलते हैं। तो भाई साहब गए और मिले किसको? इल्हान उमर को। इल्हान उमर जो कि सिंपथाइजर है, जो कि पाक सिंपथाइजर है, और जो क्लियरली अपने एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जानी जाती है, ये उसको मिले और उसके साथ डिस्कशन किया। क्या डिस्कस किया होगा ये तो राम जाने। पर आप देखिए कि ये व्यक्ति किस तरह के लोगों को मिलता है, किस तरह की बातें प्रोपेगेट करता है। और ये पप्पू तो अब कहीं से भी नहीं रहा, या पप्पू हो तो भी इसके पीछे जो इसको डायरेक्ट करने वाला है वो डायरेक्टर बहुत ही ईविल इंटेंशन रखता है। राहुल गांधी यूएसए में कई प्रकार के लोगों से मिल सकता था, पर भाई चुन चुन के उन लोगों से मिला जो एंटी इंडिया हैं, जैसे इलियाना उमर। कौन है ये? तो भाई इलियाना उमर सोमालिया में पैदा हुई थी, फिर वो यूएसए आ गई और इसने यूएसए में अपने बायोलॉजिकल भाई से शादी कर ली ताकि इसे वहां की सिटीजनशिप मिल सके। फिर इसने वहां पर रेडिकल इस्लाम को पुश करना शुरू किया। ऐसा करते ही अमेरिका के लिब्रांडुओं को ऑर्गेजम आ गए और डेमोक्रेट्स ने कहा, बहन सरकार में आके रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा दो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। इसका जो बेसिक काम है वो है मुस्लिम ब्रदरहुड को लॉबी करना और पाकिस्तान के झूठ को सच मानकर बिना सोचे समझे मुंह से हक देना। ये वो है जो 2022 में पाकिस्तान के खर्चे पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घूमने जाती है, मतलब गरीब आदमी को बोलती है कि तू मेरा खर्चा उठा। और वहां ये क्या करने गई थी पाकिस्तान के खर्चे में? कावा पीने तो गई नहीं होगी, है ना? कावा तो पी के नहीं आई होगी। फिर 2022 में ही ये भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करती है जिसमें ये यूएसए के पार्लियामेंट से अपील करती है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स घोषित कर दे। करमजलि, अभी तो पाकिस्तान घूम के आई है, वहां तुझे कंसर्न नहीं दिख रहे हैं, भारत में दिख रहे हैं, कैसी बावली हो गई है क्या? फिर ये लुगाई सुल्तान महमूद चौधरी से मिलती है जो पीओके का प्रेसिडेंट था, और उसे मिलने के बाद भारत को क्रिटिसाइज करती है आर्टिकल 370 हटाने के लिए। उसके हिसाब से आर्टिकल 370 हटाना एक डीप कंसर्न था। तो भाई साहब, जो लुगाई पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा माने, ऐसे बंदे से राहुल गांधी जी क्यों मिलने गए? अब देखो, राहुल गांधी को मिलने तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा था वो नेहरू जी की बेवकूफी के कारण पाकिस्तान को मिला था। अब पूरा कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए तो इसके लिए किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, है? किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं मतलब प्रियंका चतुर्वेदी तक को पता है कि इन जसों को गरियाना है, पर राहुल गांधी देते हैं इन्हें फुल इज्जत। इसके अलावा राहुल गांधी मिला किससे? रो खन्ना से। अब रो खन्ना कौन है? तो भाई साहब, ये एक इंडियन अमेरिकन है, पर ये पहला इंडियन अमेरिकन है जो पाकिस्तान कांग्रेशनल कॉकस में शामिल हुआ। हर इंडियन अमेरिकन इस मीट में जाने से ना शर्मसार हो जाता है, इसलिए यहां नहीं जाता, पर इसने शर्मबेज खाई थी तो इसने ना इस इवेंट की मेंबरशिप ले ली। राहुल गांधी इनसे मिलने जा रहे हैं। फिर एक एंटी इंडिया बांग्लादेशी रिपोर्टर से राहुल गांधी मिल के आए। तो भाई, इनसे ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण था राहुल जी के पास। राहुल जी इनसे मिलना चाहते थे ताकि ये लोग लाइमलाइट में आ जाएं, और लाइमलाइट में जब आ जाएं तो हम लोगों को इनके बारे में पता चल जाए, हम लोग इनसे सतर्क हो जाएं और सरकार इनके ऊपर कुछ एक्शन ले। राहुल गांधी भाई साहब खुद को बचाने के लिए देश को कुर्बान कर सकता, पर उल्टा बोल दिया। राहुल गांधी देश को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर सकता है भाई साहब, एकदम से तो बेंगलोर पुलिस दरवाजे पे खड़ी दिखाई दे गई थी मुझे। इससे पहले कि सही में बेंगलोर पुलिस आ जाए, मैं यहां से निकल लेता हूं। होप यू हैव एंजॉयड द शो।
भाई बैंगलोर पुलिस का खौफ तो सब जगह है, पर क्या करें, कितना खौफ में जिएंगे। और इस तरह से खौफ में जीने लगे तो भाई हो चुका काम। यदि हम खौफ में हमारे पूर्वज जिए होते ना, तो ना तो हम हिंदू बचे होते और ना ही हमारा भारतवर्ष बचा होता। अब जहाँ तक बात है इस पप्पू या बालक बुद्धि की, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसको अधिक समय तक हम बालक बुद्धि कह के इग्नोर कर सकते हैं। मुझे तो ये पूरा का पूरा पिशाच बुद्धि नजर आता है। बात ये नहीं इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है और ये क्या कर रहा है, बात ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको कितना याद रखते हैं और कितना अवेयरनेस लोगों में फैलाते हैं। क्योंकि आज ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं ना, यदि हम इनको भूल गए तो 2029 में हम दोबारा 2024 वाली गलती कर बैठेंगे। और 2029 में अब गलती हुई तो पूरे देश को बहुत भारी पड़ेगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।